कल मैंने आपको क्या बताया था? शैक्षिक क्या होता है आप भी बताइए, ऐसे ही चलिए पूछवा लेते हैं, बताइए शैक्षिक तकनीकी क्या है? सरल सहज सुलभ सुबोध है ना, सहज सरल सुगम सुबोध, किसी चीज को सरल करने का तरीका है ना, सुबोध या ना अवबोध हो जाए, वो जो एक आपकी वो प्रक्रम होता है वो आपका क्या कहा जाता है? टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी। इसमें मैंने कितने पार्ट बताए थे? अरे वाह, नौ। वो मैंने 11 बोल के 9 लिखाए थे डायरेक्ट में, क्योंकि एक अलग आपका 5 का हायरार्की है, मैं उसको अभी बढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या था? फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या था आपका? हार्डवेयर। सेकंड में क्या था? सॉफ्टवेयर। थर्ड में क्या था? प्रणाली। प्रणाली के चरण, हाथ उठाइए बिना नीचे देखे, कितने हाथ उठे आप बताइए? प्रणाली कौन कौन से चरण है? वेरी गुड, बैठिए। सॉफ्टवेयर क्या है? इसमें आपका क्या है? इनपुट आउटपुट, बहुत अच्छा आउटपुट कर रहे हैं, प्रोसेस वातावरण। इसके 4 आपके स्टेप होते हैं, इनपुट आउटपुट सॉरी इनपुट प्रोसेस आउटपुट और एनवायरनमेंट। क्यों इसको कहा गया? ये आपको प्रणाली बताता है कि सिस्टम से कैसे चलना है। यहाँ आपको क्या बताएगा? आपके पास मटेरियल क्या है, उपकरण, ये बताएगा कि उसमें करना क्या है, सॉफ्टवेयर, और ये बताएगा कि उससे आप कैसे हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर का यूज करके बच्चों को क्या कराएंगे, अधिगम अनुभव कराएंगे। इसके लिए मैंने आपको डेल का अनुभव शंकु भी बताया था। अगर उतना लंबा, वो तो आपके क्राइटेरिया है जैसे उपकरणों के आधार पे, उतना लंबा आप नहीं याद कर पाते, तो शॉर्ट में 5 स्टेप का एक उनका अधिगम शंकु होता है। देखिए कौन कौन सा होता है। वर्बल, स्टिल पिक्चर, मोशन पिक्चर, प्रोजेक्ट और डायरेक्ट। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में भी, और उन्होंने इंग्लिश में ही दिया है, इसलिए पहले आपको इंग्लिश लिख दे रहे हैं, तो मैं आपको हिंदी में स्पष्ट करूँ, है ना। देखिए उन्होंने जो अपने सारे प्रक्रम उनको 5 भागों में बांटा, मौखिक, स्थिर चित्र, चल चित्र, प्रक्षेपी और प्रत्यक्ष। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, तिकोना है, और यहाँ क्या कर रहा है, धीरे धीरे इसका एरिया क्या हो रहा है, बढ़ा। ये किसका एरिया बढ़ा रहा है, हाथ उठाइए, अधिगम का बढ़ा। लेकिन अगर आपका जो डेल का पूछे तो ये किसका एरिया बढ़ाएगा, डायरेक्टली वो एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, क्योंकि उन्होंने कौन सा शंकु दिया है, अनुभव शंकु। कितना एक्सपीरियंस किसमें किसमें होता है, जैसे सबसे कम एरिया इसका, ये चलचित्र के बाद आपको प्रक्षेपी, प्रत्यक्ष लिख दे रही हूँ। वर्बल का क्या हो गया? मौखिक। स्टिल का क्या होगा? स्थिर चित्र। मोशन का क्या हो गया? चल चित्र। प्रोजेक्ट का क्या हो गया? प्रक्षेपी या प्रक्षेपण। फिर डायरेक्ट का क्या हो गया? प्रत्यक्ष। यही चीज मैंने जो उनके 11 स्टेज बताया आपको, आपको 9 यहाँ बताए थे, उसमें क्या था, यही चीजें एक्सपेंड करके दिया था। लेकिन अगर इसको शॉर्ट में कॉम्पैक्ट में आप समझना चाहते हैं, तो मुख्यतः आप 5 भागों में बांट लेंगे अगर, तो आप डायरेक्टली देख के बता देंगे किससे एक्सपीरियंस आपका ज्यादा मिलता है और किससे कम। ठीक, अगर आपका सिर्फ मौखिक तकनीक है, वर्बल है ना, तो ये आपका सबसे निम्नतम स्तर का अनुभव देता है, अपेक्षाकृत किसके, स्टिल पिक्चर। स्टिल क्या, जैसे फोटो, मानचित्र, चार्ट, जिसमें सिर्फ देख रहे, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया और ऐसे छोड़ दिया कि आप इसको लिखिए, तो ये क्या है, स्थिर चित्र है कि चल रहा है, स्थिर है ना। तो मौखिक से भी अच्छा अनुभव कौन देगा, स्थिर चित्र। अब स्थिर चित्र से भी अच्छा अनुभव की बात की जाए
तो कौन देगा? चलचित्र, मोशन, जो क्या हो, गति में हो, जैसे वीडियोग्राफ, बिल्कुल वीडियोस जो होंगे आपके, शॉर्ट फिल्म्स हुई, टेलीविजन हुआ, उसमें भी तो है। अब यहाँ देखिए क्या है, मौखिक में क्या होगा, सिर्फ श्रव्य, ये क्या हो गया दृश्य, और ये क्या हो गया श्रव्य दृश्य, दृश्य श्रव्य, ठीक। अब वही चीज जो आपने पीछे पढ़ी, इसी में आप एक ट्रायंगल में आपको क्या करना है, एडजस्ट कर देना, और इसी ट्रायंगल को अगर आपने समझ लिया तो आप क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के उपकरणों का यूज, उनकी प्रक्रिया का यूज, और कौन सा उसमें मृदु उपागम होता है, सब कुछ समझ जाएंगे। पांच मुख्य भाग आपके वो हैं कि जिसमें पहला होता है कि आप मौखिक रूप से तकनीकी, जो तकनीकी का प्रयोग है वो सिर्फ मौखिक हो, है ना। फिर स्टिल पिक्चर, स्थिर, अभी भी स्टिल पिक्चर ही है, चाहे 10 मिनट बाद दिखे, 15 मिनट बाद दिखे, वो क्या है, मानचित्र, मानचित्र, जैसे भारत का मानचित्र आपको दिखा दिया, स्टिल पिक्चर है ना, उसमें क्या है, वो स्थिर है। अब उसको 1 घंटे बाद देखिए, 1 दिन बाद देखिए, 1 महीने बाद देखिए, वो ऐसा स्थिर रहेगा। तो इसके अपेक्षाकृत ये ज्यादा अनुभव दे रहा है। देखिए इसका एरिया क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बाद इससे भी ज्यादा आपका एक्सपीरियंस कौन देता है, मोशन। अब स्थिर है तो आप एक बार देख लिए, दो बार देख लिए, जहां ढूंढा ढूंढे ठीक, लेकिन जब जो चलाए मान है, गति कर रहा है, तो क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है। अभी एक चित्र, जैसे ये कैसे बनता है स्थिर चित्र, जैसे वीडियो कैसे बनता है जानते हैं, जैसे एनिमेशन लोग बनाते हैं ना, एनिमेशन कैसे बनता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। एनिमेशन में कई पिक्चर्स को कंबाइन करते हैं, स्पीड दे देते हैं, वो पिक्चर लगाता, जैसे कहते हैं ऑगी एंड कॉकरोचेस देखा होगा, टॉम एंड जेरी देखा होगा, है ना, देखा है। उसमें ये नहीं है कि उसमें वीडियो, उसमें बनाने का तरीका सोचिए, वो तो आप है नहीं कि आप चल रहे हैं, वो तो क्या एक चित्र है, उन्हीं कई चित्रों के संयोग से उसको गति प्रदान करके हम क्या बनाते हैं, चल चित्र, चलने वाला चित्र, लगातार क्या है, चल रहा है, जैसे वीडियो जो आपके। तो इसकी अपेक्षाकृत क्या होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा। फिर अब इससे भी अच्छी बात हुई, क्या हुआ, आप हमेशा क्या करते हैं, सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख हो रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका प्रौद्योगिकी में हमेशा क्रांति आती है। जैसे कभी आपका वो घुमाने वाला टेलीफोन था, फिर ये वाला टेलीफोन आया, फिर ये वाला छोटा सा टेलीफोन आया, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, अभी फिर क्या हो रहा है, फिर कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, इतना मोटा था, इतना मोटा, मोटा पतला। तो आप क्या करते थे, डेवलपमेंट करते रहते, कम आपका जगह घेरे, है ना, आपके लिए अच्छा हो, ज्यादा फैसिलिटीज हो, तो धीरे धीरे आप क्या करते, प्रोग्रेस करते रहते। वही तकनीकी का वही काम ही है, हमेशा क्या हो, वो परिवर्तनशील रहेगी, आगे की ओर उन्मुख रहेगी, और हमेशा क्या करेगी, अनुभवों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। ये एक वैज्ञानिक तकनीकी होती है, तकनीकी नॉर्मल नहीं कहीं, ये विशिष्ट होती है, है ना। तो हम क्या करेंगे, मौखिक से ज्यादा स्थिर, से ज्यादा चल। अब बात आते हैं जब चलचित्र वीडियो देख के भी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बहुत जल्दी उगते हैं, जब आप उग जाते हैं तो बच्चे तो उगेंगे, है ना। तो बच्चे जब उग रहे हैं तो क्या करते हैं, कई चीज प्रकार के टेक्निक आप यूज करते हैं उनके साथ। तो उससे भी ऊंचा अगर कहा जाए कि अनुभव के लिए जो तकनीकी यूज की गई वो है प्रोजेक्टेड, प्रक्षेपी। क्या है प्रक्षेपी, जैसे आप कहते हैं ना कि व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी तकनीकी, जो अंदर से क्या हो, प्रस्फुटित हो, प्रोजेक्टेड। जैसे कहते हैं ना, एक ऐसे पत्थर लीजिए और उसको फेंकिए, ये क्या है, प्रक्षेपण, सीधे नहीं, ऐसे जब जाती है, मैथमेटिक्स में है ये, फिजिक्स में भी है, क्या प्रक्षेप करना, मतलब क्या, फेंकना, एक स्थान से दूसरी जगह फेंकना। अब ये प्रक्षेपी जब आपकी बात है तो एकदम मत घबराइएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे क्या कर रहे हैं, प्रक्षेप कर रहे हैं, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, अब इसमें नहीं लीजिए, लेकिन प्रक्षेपी की बात कर रहे हैं। उसमें ना आपका स्टिल पिक्चर रहती है बस, लेकिन मैं आपको प्रक्षेपी बता रही हूँ, प्रक्षेपी समझिए कि जो आप ये लिए पत्थर और उसको क्या किए, फेंक दिए, प्रक्षेपण कर दिए, अर्थात एक अनुभव को दूसरे में क्या करना, स्थापित करना। ये आपके कृत्रिम अनुभव देते हैं, है ना, जैसे मॉडल बना रहे आप, मॉडल जो होंगे दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर रहते हैं, जैसे आप देख लिए मॉडल है, एक क्या होगा, मोशन में रहता है, वो कार्य करता रहता। तो आपकी वो तकनीकी जो क्या करे, अनुभव को एक जगह से दूसरी जगह क्या करे, प्रक्षेपित कर दिए वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, वो कौन सी तकनीकी होगी आपकी, प्रोजेक्टेड। अब यहाँ तक भी आ गए,
इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस की बात हुई कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसमें मिलेगा। तो यही आपके सारे रिसर्च प्रूफ किए जितने भी इस पे अनुसंधान हुए हैं कि जो आपका डायरेक्ट अनुभव मतलब डायरेक्ट जो होता है वो ज्यादा सही है, जिसमें वास्तविक जगत में आप रह के कार्य करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट दिया गया आपको है ना, प्रोजेक्ट देने के बाद क्या करते हैं, एक समस्या आपको देंगे सामूहिक रूप से, आप उस पर क्या करते हैं अध्ययन करते हैं, जगह जगह आप उसके मटेरियल को जैसे कहेंगे रामानुजन के बारे में आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये नहीं, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में अंतर होता है। असाइनमेंट में आपके पास दत्त कार्य दिया गया, आप छाप के चले जाइए, सही है, लेकिन प्रोजेक्ट में क्या आपका शोध होता है, वो एक बालक का उसके स्तर का शोध होता है कि वो खोजता है चीजों को, अध्ययन करता है, अपने शब्दों में क्या करता है उसकी व्याख्या करता है। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे अच्छा जो आपका तकनीकी होता है जो अनुभव देता है वो क्या होता है, वो जो डायरेक्ट अप्रोच होते हैं वो सबसे ज्यादा आपको अधिगम अनुभव देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब एनसीईआरटी ने कई भागों में बांट दिया इसको, अब ज्यादा भाग बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें मोटा मोटा अगर समझे आप, उसमें भी दृश्य श्रव्य शब्दिश ग्राफ पिक्टोरियल है ना, आपकी उसमें भी प्रक्षेपी है और उसमें भी डायरेक्ट है, जो अभी आपने पांच पढ़े ये सबका निचोड़ है, ये डेल का भी निचोड़ है, एनसीईआरटी ने जो बताया उसका भी निचोड़ है। अगर ये आपको स्टेज पता है कि किससे कितना आपको अनुभव मिल रहा है तो आप ये बता लेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा आपकी प्रभावशाली है। जब कुछ नहीं सिर्फ व्याख्या देनी है तो आपका दृश्य है अच्छा है, और दृश्य भी है व्याख्या मतलब मौखिक भी है तो उससे अच्छा क्या है, चलचित्र है ना, चलचित्र भी हो गया आपका तो उससे अच्छा क्या है आपके प्रोजेक्टेड प्रक्षेपी, कहीं से क्या हुआ अंदर से निकले बाहर है ना, प्रक्षेपण जैसे व्यक्तित्व आपने की प्रक्षेपी तकनीकी आपने पढ़ा होगा तो उसमें जैसे पढ़ा है स्याही धब्बा परीक्षण पढ़ा है ना, क्या होता है ऐसे उसको कहते हैं डॉट आपका उसमें इंक ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जैसे ये तो पतला है डॉट ऐसे होते हैं कि एक चित्र बनाते होते कई प्रकार के, बहुत मॉडिफाई उसको किया गया है, बहुत ही अच्छी तकनीकी है। उसको जब देखते हैं आप तो आपको कुछ दिखता है, जैसे बादलों को देखते हैं तो कई लोगों को चुड़ैल दिखती है झाड़ू पे बैठे, हमें नहीं दिखी, नहीं वो लोग कहते हैं दिखनी चाहिए है ना, कई लोगों को कुछ दिख रहा है, कई लोगों को जिसके दिमाग में जो रहता है जिसका व्यक्तित्व जो रहता है उसको उस प्रकार की चीजें दिखती है। जैसे चांद को देख के बहुत लोगों ने एनालिसिस किया, बुढ़िया सूट काटती, ये भी हमको कभी नहीं दिखा, हाँ गड्ढा दिखा, आंख थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी दिखी। तो इस प्रकार से आपको जैसा दिखता है क्यों, वो आपके अंदर की भावनाएं होती हैं, आपका व्यक्तित्व होता है, वो चीजें बाहर आती हैं। वही प्रक्षेपी तकनीकियां जो आपके अंदर की चीजों को क्या करे प्रस्फुटित कर दे, और अब अर्ध चेतन अवस्था में आपकी अचेतन से अर्ध चेतन मिला, अर्ध चेतन से चेतन, आपको नहीं पता आप क्या बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमको ये चीज दिखता है इंक डॉट में, लेकिन क्या जो आपके मनोवैज्ञानिक होंगे वो बता देंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक, तो ये आपकी तकनीकी वैसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षण को और प्रभावशाली करने में, क्योंकि आपको पता है एक ही तरीके से पढ़ने में बच्चे क्या होते हैं उब जाते हैं, और कम चीजें ज्यादा टाइम ले रहा है आपका, लिख रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड पे, इससे अच्छा आप क्या करें आप उसको फिल्म दिखा दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री कोई दिखा दे रहे हैं है ना, किसी की डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री क्या है, किसी का जीवन वृत्त होता है व्यक्तित्व नहीं, जैसे आपके जीवन में जो घटनाएं घटी किसी के ऊपर कहेंगे उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो उसके जीवन में जो घटनाएं प्रमुख घटी रहती हैं उसके ऊपर हम पिक्चर बनाते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में बने, हाँ नेहरू जी के बारे में बने है ना, भगत सिंह के बारे में, तो उनके जीवन से संबंधित जो मुख्य बिंदु रहेंगे उनके ऊपर मूवीज बनेंगे। तब आप किताब पलटेंगे, दो पन्ने में नहीं लिख पाएंगे, किताब पूरी छापेंगे तब बच्चा समझेगा है ना, लेकिन उसमें आप मूवी दिखाएंगे हो सकता है 10 मिनट में ही उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि इनका कार्य क्या था। तो इसलिए लगातार इसमें क्या होती गई परिवर्तनशीलता। 1950 से टेक्नोलॉजी एजुकेशन में शुरू हुई और 73 तक क्या हुई भारत में एकदम दौड़ने लगी, और इतना इसने प्रोग्रेस किया कि आज आप देख रहे हैं कि पहले की एजुकेशन और अब की एजुकेशन में कितना अंतर है, लेकिन ये चीज हमारे बेसिक एजुकेशन में नहीं दिख पा रहा। अगर आप कॉन्वेंट में बच्चे को भेजते तो उसको हर चीज जैसे प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं है ना, वहाँ व्हाइट बोर्ड मार्कर दिख जाएगा आपको, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा, आपको ब्लैक बोर्ड दिखेगा है ना,
चौक दिखेगी है ना, डेस्क बेंच दिखेगा, जो अलग अलग प्रकार का कहीं चार्ट है, वो है चार्ट है, तो ये सब चीजें क्या है, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे नहीं उपलब्ध। इसकी जरूरत इसलिए भी हमको पढ़ाया जाता है कि हम अपने स्तर से क्या करें, टीचर अपने स्तर से प्रयास करे कि कौन सा अनुभव हम उसको दे कि बालक क्या करे, ज्यादा अधिगम करे। तो जो एनसीईआरटी ने दिया वो भी मुख्यतः बांटेंगे तो श्रव्य दृश्य दृश्य श्रव्य है ना, उसके बाद ये प्रक्षेपी डायरेक्ट इन्हीं सब के अंतर्गत है। उन्होंने बोला कि एक आपका होता है ग्राफिकल, जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, जो ग्राफिकल आपका प्रेजेंटेशन है इसको कहेंगे सिर्फ दृश्य, तो ग्राफ देखते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इससे अलग अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल से, तो उन्होंने एक जो नया चीज कहा वो कहा वो था क्या, ये बहुत अच्छा नहीं, वो आपके प्रत्यक्ष ही बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इससे हटके उन्होंने जिस चीज को इंक्लूड किया वो क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या ग्राफ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ है, लेकिन इस ट्रायंगल में मैंने कहीं दिखाया ग्राफ नहीं, ये अलग से किसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया। तो ग्राफ आप जानते हैं कई प्रकार के होते हैं, ग्राफ से आप कहीं का क्षेत्रफल दिखा सकते हैं, कितना आपके पास आपूर्ति हो रही है ये दिखा सकते हैं, कोई डाटा दिखा सकते हैं। ये जो डाटा प्रेजेंटेशन आपका होता है, जो जितने आपके आंकड़े होते हैं उनका जो निरूपण होता है किसके माध्यम से होता है, ग्राफ के। कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है आपका ये भी टेक्नोलॉजी है इसलिए इसको बता रही हूँ, यही सोचे कि यहाँ प्रोजेक्टर रखे हैं वीडियो रख बना रहे हैं, वही नहीं है, ये सब क्या है, ये भी तकनीकी है, चाहे दृश्य है आप देख के इसे अनुभव करेंगे, लेकिन ये भी क्या है आपका तकनीकी। तो दंड आरेख जो होता है वो कैसा होता है, डंडे की तरह, और क्या इतना क्या दिमाग लगाना नाम है ना, तो आपको ज्यादा तो उसमें देखना है क्या होता है, ये जो रिप्रेजेंटेशन देता है एक जैसे स्तंभ, आपके स्तंभ की तरह या डंडे की तरह देता है, लेकिन इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता। जैसे ये 2005 का है, ये 2006 का, तो इससे कोई संबंध नहीं, इसमें क्या कंपैरिजन नहीं होता, ये अलग अलग डाटा दिखाते, समझ रहे। अब देखिए अगला आएगा तो आपको समझ में आएगा क्यों ये बता रहे, ये क्या होता है अलग अलग आपको डाटा दिखाते, स्वतंत्र डाटा। बस आपको बता दें इतने लड़का 15, लड़कियां 16, ठीक, तो ये लड़कों लड़कियों में कोई वो नहीं है, लेकिन क्या आप अलग से क्या डाटा दिखाते हैं, है ना। तो ये दंड आरेख कहा जाता है। फिर होता है आपका एक स्तंभ आरेख, हिस्टोग्राम, ये सुना है, उसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें गैप्स नहीं होते, गैप्स नहीं होते। अच्छा हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ये और इधर से ही ये, और क्या था, ये दोनों स्वतंत्र हैं, तो क्या इंस्टाग्राम हो गया, जैसे ऐसे मैंने इसको चिपका दिया और मैंने बोला कि इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या ये आपका ये हो गया इंस्टाग्राम। यहाँ अंतर्निहित जो दो डाटा के बीच में संबंध होता है उसको देखा जाता है। दूसरी चीज ये जो होता है वो स्वतंत्र डाटा नहीं होता, ये किस पे बनता है, मध्य बिंदु पे। जैसे आपका डाटा दिया गया, आप जानते हैं क्या फ्रीक्वेंसी दी जाती है और मुख्य डाटा दिया जाता है, जैसे क्लास इंटरवल होता है CI, फिर F, फिर CF। CI क्या होता है, क्लास इंटरवल, फिर क्या होता है फ्रीक्वेंसी, जितनी बार वो इंटरवल जितनी उसमें क्या है आवृत्ति, फिर CF जो लेते हैं यहाँ से लास्ट पॉइंट से जोड़ते हुए क्या जाते हैं ऊपर तक जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो होता है ये जो बनता है ड्रॉ होता है किस पे बनता है, मध्य बिंदु पे। वैसे यहाँ हो गया 20 और 30, तो इनके बीच को इनको जोड़ दीजिए और बाय 2, तो यहाँ जो आपका हिस्टोग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, 25 पे बनेगा, ठीक है। ये चीजें पूछता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और टेक्नोलॉजी में इसलिए बता रही हूँ कि अलग से कहीं मुझे इसको बताने का मौका नहीं मिलेगा, ये भी शिक्षण की तकनीकी ही है।
क्या ग्राफ बनाना शिक्षण की तकनीकी नहीं है? अगर टीचर से ही पूछ दिया जाए कि कितने प्रकार के ग्राफ बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या अंतर है, तो बताइए कैसे बताएंगे? हमको तो पता होना चाहिए तब ना बच्चों को हम बताएंगे। हमें उनका अध्ययन करना है किसका किस सन में कितना प्रोग्रेस है, तो बिना ग्राफ के आप कैसे बताएंगे कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है, कहाँ ज्यादा डिफरेंस है, कहाँ कम डिफरेंस है? तो हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक। तो ये क्या बनता है हिस्टोग्राम? मिड पॉइंट पे। फिर आपका होता है आवृत्ति बहुभुज। क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? ये क्या होता है? ग्राफ नहीं पढ़े क्या? वो तो उसमें अभी आपका आएगा, रीजनिंग में भी, पिछले में भी तो था। आवृत्ति बहुभुज में क्या होता है? आप ऐसे डाटा लेते हैं और जैसे जो जैसे तीन चीज है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी देखेंगे कौन ज्यादा कहाँ है, जहां जाएगा कट कर देंगे, कट कर देंगे, कट कर देंगे, कट कर देंगे, बस यही बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसका कोई आकार बने ना बने, ये एक प्रकार का बहुभुज होता है, आवृत्तियों पर बना बहुभुज। तो क्या कहेंगे उसको? आवृत्ति बहुभुज ग्राफ। समझ में आया? आवृत्ति पे बना बहुभुज क्या होगा? आवृत्ति बहुभुज ग्राफ। आपको पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है, उसकी क्लास इंटरवल उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। ये आपका जब आप पढ़े होंगे सांख्यिकी तो उसमें पढ़ा होगा, ठीक। ये समझ में आया? नाम जान लीजिए बस कितने प्रकार के होते हैं, जब आपने ग्राफ पढ़ा तो इसको भी जान लीजिए। फिर एक संचयी आवृत्ति ग्राफ होता है, जब सी एफ पे बने, सिर्फ एक आवृत्ति पे बनेगा और एक किस पे बनेगा? सी एफ पे बनेगा, है ना। फिर एक होता है आपका ऑगिव, ये पूछता है ऑगिव, ऑगिव संचयी संचयी आवृत्ति बहुभुज ग्राफ। हाँ ग्राफ। इसके बाद लास्ट आपका होता है ऑगिव, उसमें इसका परसेंटेज निकालते हैं, उस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए उसमें दिया होगा प्रतिशत संचयी आवृत्ति ग्राफ, लेकिन उसको शॉर्ट में दे देता है ऑगिव। तो आप उसमें क्या कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें बस सी एफ का परसेंटेज निकालेगा और उस पर ग्राफ ड्रा करेगा। अब ग्राफ ड्रा करना आता है ना, इसमें चार चतुर्थांश होते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस होगा कि माइनस प्लस। यहाँ पे कैसे प्लस माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स माइनस जा रहा है ना, तो यहाँ माइनस प्लस होगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, यहाँ पे क्या रहता है आपका प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, क्योंकि एक्स पहले रहता है आपका हमेशा, ये हमेशा जब दिखाते हैं तो एक्स वाई के रूप में दिखाते हैं। पहला वाला जो आपको डिनोट करेगा वो एक्स को करेगा, दूसरा वाला वाई को। यहाँ क्या होता है, पहले दोनों प्लस प्लस, दूसरे में क्या होता है, इधर जा रहे हैं ना, तो ये आपका जीरो, यहाँ प्लस वन टू थ्री, माइनस वन टू थ्री, यहाँ प्लस वन टू थ्री, यहाँ माइनस वन टू थ्री, यहाँ का माइनस रहेगा और यहाँ का माइनस रहेगा। तो यहाँ एक्स माइनस हो रहे थे, माइनस रहेगा ना पहले, द्वितीय प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में क्या है माइनस और प्लस, तृतीय में क्या होगा यही माइनस और माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, क्योंकि वाई ऊपर प्लस जाएगा और एक्स यहाँ, ठीक। और ये क्लास में क्या जाएगा, प्लस और माइनस, क्योंकि ये प्लस जा रहा है और ये क्या जा रहा है माइनस। इसे कहते हैं चतुर्थांश। चार चतुर्थांश आपके टू डायमेंशन में होते हैं, टू डी में, और थ्री डी में क्या होंगे, वही एक जेड जुड़ जाता है वो आपके सामने, जैसे कहते हैं थ्री डी मूवी देखते हैं लगता है मेरे सामने आ रहा है, ये टू डायमेंशन है। कौन सा है आपका ग्राफ, टू डी, और आपका एक क्या होता है, थ्री डायमेंशन भी होता है। और थ्री डायमेंशन की बात भी किसने की है, एनसीईआरटी ने की है तकनीकी में, याद रखिएगा, थ्री डी जिसमें क्या हो, थ्री डायमेंशन आपके खुले हो। अब यहाँ देखिए ये आपका जो हो गया, इसी पे हम निरूपित कर देते हैं, प्लस प्लस है, लेकिन आपके पास अगर डाटा माइनस में है तो देखिए कौन सा माइनस, अगर एक्स को आपको माइनस में करना है तो आप यहाँ जाएंगे, और वाई को प्लस में करना तो यहाँ जाएंगे, आप इधर बनाएंगे, दोनों माइनस में करेंगे तो यहाँ बनाएंगे, फिर एक्स प्लस और वाई माइनस तो यहाँ बनाएंगे। तो इतना आपको सिर्फ समझना है, ये बनाते सिर्फ इतने पे, बनाते किस पे है, पॉजिटिव, इसीलिए ना आपका जो ग्राफ बनता है ऐसे ही रहता है, देखा है ना ग्राफ, इतने रहता है ना, बनाते सिर्फ इतने पे। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ का साइन क्या होगा,
अब यही जब यही थ्री डायमेंशन हो जाएगा तो यहाँ आपका एक्स वाई जेड होगा, अब जिसमें जो पॉजिटिव निगेटिव रहेगा वैसे हो जाएगा, और टू डी में क्या होगा सिर्फ एक्स और वाई। अगर दो चीजों के बीच में आपको ग्राफ प्लाट करना है तो टू डायमेंशन में ग्राफ प्लाट करेंगे, कैसे, एक्स और वाई के बीच में, और तीन चीजों के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो थ्री डायमेंशन में प्लॉट करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड। अगर आपका ये है सर्कल तो ये कौन कितने डायमेंशन में, टू डायमेंशन, और स्फीयर है मतलब आपका गोला थ्री डायमेंशन में, ऐसे कहेंगे इतना क्षेत्रफल निकाल लिया। तो वहां देखिए क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं, जैसे आप लड्डू लीजिए और उसमें उसको तोड़ के लीजिए, कहते इतना परसेंट मेरा खा गए, तो उसमें सिर्फ वो नहीं है कि टू डायमेंशन जो सामने दिख रहा है और जो क्षैतिज और उसमें क्या होता है, उसमें क्या रेडियस होता है तीसरे डायमेंशन में भी। अब लड्डू यहाँ देखेंगे तो आपको वृत्ति लगेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं चूड़ी बनाऊँ और लड्डू बनाऊँ तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ चूड़ी लो और लड्डू लो तो आप क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। तो हमारे जो ग्राफ प्लॉट होंगे टू डायमेंशन में एक्स और वाई एक्सिस पे, अब इसी को मान लेंगे जैसे एक्स आपका सन है और ये वाई क्या है, प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, ठीक। ऐसे आप वो भी बनाते हैं जो आपका अधिगम वक्र होता है, पूरा दिमाग पे जुड़ा है, हर चीज दूसरे से कनेक्ट है, कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है ना। तो एक्स वाई पे आप बनाते हैं, जब यहाँ पे आप डाटा जिस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे उस हिसाब से आपका ग्राफ बनेगा, है ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रकार का ग्राफ होता है, जैसे पिक्टोरियल ग्राफ, उसमें पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक। पाई ग्राफ, पाई में क्या होता है, पाई किस में आता है, किसके क्षेत्रफल में, बस यही जान लीजिए तो आप बता देंगे पाई ग्राफ क्या होता है, वृत्त के, है ना। जनरली अगर जाने का और भी कहीं में आता है, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे भी जानते हैं क्या वृत्त में पाई आता है, तो ये पाई ग्राफ क्या, पाई जैसे कहते हैं ना चौको पाई, लॉटरी चौको पाई, तो पाई क्या होता है, गोला सा होता है ना। यहाँ क्या है, पाई आपका बनेगा जब, तो इस पे डिनोट करेंगे, ये आपका डाटा निरूपण में आता है, जब डाटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसमें आप टोटल कितनी डिग्री होती है, 360, 90 90 90 90, यहाँ आधा 180 180। अब इसी में कई पार्ट होते हैं, इतना परसेंट निकालना होता है, तो टोटल 100% इज इक्वल टू 36 360। उसी हिसाब से क्या करेंगे आप, परसेंट निकालेंगे कितने परसेंट आपके बच्चे प्रोग्रेस किए। इसमें भी आप दिखाते हैं, जैसे आपको बनाना है मूल्यांकन प्रपत्र, तो आप ग्राफ के माध्यम से दिखा रहे हैं कितने बच्चे पास हैं कितने फेल, तो आप इसमें दिखा सकते हैं ना, मतलब 30% फेल है बाकी क्या है, बाकी पास है। फिर आपको दिखाना है कि कितना मतलब कि लड़कियों और लड़कों का रेशियो क्या है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें दिखा सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं।